हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा और एक बार फिर हाजिर एक और धमाकेदार अपडेट के साथ। तो शो में रणवीर को छोड़कर सीरत कार्तिक करते हुए नजर आ रही हैं और जितनी मुश्किल से इनकी शादी हुई है अब इतनी ही मुश्किल से ऐसे लगने वाला है हमें कि ये टूटेगी शादी। लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं वाला है क्योंकि सीरत और रणवीर को बहुत ही एक दूसरे से प्यार है, लेकिन इसका एहसास भी सीरत को जल्दी ही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर वो कार्तिक के लिए परवाह जरूर करती है, लेकिन प्यार तो सिर्फ रणवीर के लिए है ये तो हमें जानते ही हैं। और हमें देखने को मिलेगा कि कार्तिक और सीरत का रिश्ता कहीं और ही जा रहा होगा, लेकिन इसी बीच रणवीर को बहुत बुरा लगने वाला है कि सीरत हर बार कार्तिक करती रहती है और गुस्सा उसका फूटेगा। जी हां दोस्तों, रणवीर का गुस्सा फूटेगा सीरत और कार्तिक पर और फाइनली रणवीर कह देगा कि सीरत ये क्या है, मुझे लगता है कि तुम्हें कार्तिक से ही शादी करनी चाहिए थी। और वो वक्त भी आएगा जब रणवीर बहुत ही बुरी तरह से सीरत पर भड़कते हुए नजर आने वाला है और कार्तिक उसे समझाएगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसी बीच हमें नायरा की एंट्री देखने को मिलेगी जो कि रणवीर की सारी गलतफहमियां दूर कर देगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर नायरा की एंट्री ही वो होगी जो कि कार्तिक को और नायरा को तो मिलाएगी ही, लेकिन इधर रणवीर और सीरत के बीच की सभी दूरियां भी मिटा देगी क्योंकि नायरा की एंट्री ही फैंस को देखनी है। और इसी के लिए शो मेकर्स काफी बड़ा तगड़ा यहाँ पर प्लानिंग कर रहे हैं कि नायरा की एंट्री को काफी धमाकेदार बनाया जा सके, क्योंकि लंबा इंतजार हो चुका है तो नायरा की एंट्री भी धमाकेदार ही होनी चाहिए और फैंस काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में है कि नायरा हमें जल्द से जल्द देखने को मिले। तो इसी बीच ये जो रणवीर और कार्तिक सीरत के बीच में जो ड्रामा होगा इसी के दौरान होगी नायरा की एंट्री और इनका ड्रामा नायरा ही आके खत्म करेगी। तो दोस्तों काफी हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है, वेल कितना एक्साइटेड है इसे देखने के लिए कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं कि नायरा को भी आप देखना चाहते हैं शो में।